मैं अपनी पार्टी में ऐसे तो गए ही नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस। लोगों को मजाक लगेगा कि आप ये बात कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में गए ही नहीं, कांग्रेस के बाद आप अपनी पार्टी आपने ऑफिशियल तौर पर जाहिर नहीं की, आप बैठकों में उनकी नहीं जाते। काफी लोग जो हमारी पार्टी में आने वाले और इसी पार्टी जो अपनी पार्टी इसी की गवर्नमेंट होगी यही पार्टी आगे चलेगी और लोगों की हित की बात करेगी। जो भी हमारी डेवलपमेंट जहां जम्मू कश्मीर के अंदर रुकी है वो डेवलपमेंट होगी। अपनी पार्टी के जो हमारे वहां के विधायक थे, दो हमारे MLA वहां के थे, जब उन्होंने ज्वाइन किया, आप देखिए कहीं मेरी वीडियो में किसी ज़्यादा बैठक में वहाँ पे गया ही नहीं, मैं नहीं गया कभी कभार। आप निकालिए मेरी वीडियो निकालिए आप, मैं बिल्कुल नहीं वहाँ पे गया और मैं एक साल डेढ़ साल चुप करके अपने घर में बैठा और घर में बैठने के बाद मैंने सारा सर्च किया, मैंने सारा किया। जम्मू कश्मीर के बुखारी साहब जिस पार्टी को लीड करेंगे, उसके साथ साथ आज़ाद खान साहब जो आज तो जम्मू कश्मीर के एक बड़े लीडर हैं वो भी इस पार्टी में आए, हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी से मुमताज़ खान साहब आए, अब कुछ लोग और जो हमारी 14 के बाद 15 के बाद जम्मू में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बुखारी साहब उसकी क़यादत करेंगे, उसमें एजाज़ खान साहब भी होंगे। आप भी अलग अलग पार्टी से पहले ताल्लुक़ रखते थे, पार्टी बदलते रहे, क्या अपनी पार्टी में वो मान सम्मान नहीं मिला या क्या चाहते थे आप जो आपको नहीं मिला जिसके बाद आपने आम आदमी पार्टी में जाना सही समझा? मैं अपनी पार्टी में ऐसे तो गए ही नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस। लोगों को मजाक लगेगा कि आप ये बात कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में गए ही नहीं, कांग्रेस के बाद आप अपनी पार्टी आपने ऑफिशियल तौर पर ज्वाइन नहीं की, आप बैठकों में उनकी नहीं जाते थे। मेरी बात सुनिए कि मैं आपको सीधा कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मैंने जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से रिजाइन किया तो मैंने सिर्फ अपनी पार्टी के जो हमारे वहाँ के विधायक थे, दो हमारे MLA वहाँ के थे, जब उन्होंने ज्वाइन किया, आप देखिए कहीं मेरी वीडियो में किसी ज़्यादा बैठक में वहाँ पे गया ही नहीं, मैं नहीं गया कभी कभार। आप निकालिए मेरी वीडियो निकालिए आप, मैं बिल्कुल नहीं वहाँ पे गया और मैं एक साल डेढ़ साल चुप करके अपने घर में बैठा और घर में बैठने के बाद मैंने सारा सर्च किया, मैंने सारा किया, करने के बाद हमने जो ये फैसला लिया, हमने काफ़ी लोगों ने बैठ के, सुबह जम्मू के लोग थे, हमने काफ़ी बैठ के, उधमपुर के लोग थे, जम्मू के लोग थे और हम रियासी के लोग थे, हमने बैठ के जब लोगों, मैंने आपको कह दिया कि जब हमने देखा कि दो तीन, मैंने 14 के बाद आपको कह दिया कि लोगों के काम नहीं हुए, जब लोगों के काम नहीं हुए तो हमने देखा कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है, जो कांग्रेस साहब ने देखा कि वो भी लोगों के काम। आज बुखारी साहब ने अगर नई पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बनाई, नई पार्टी बनाई, लोगों के हित की पार्टी बनाई, लोगों को जो लोगों को आज जहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो मुश्किलें हल करने के लिए पार्टी बनाई। हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी बनी या कोई गवर्नमेंट बनी तो वो हमेशा सेंटर का हाथ रहा, तो आज बुखारी साहब ने अगर पहल की तो हम बुखारी साहब का स्वागत करते हैं। जहाँ पे मेरे बड़े भाई जो ठाकराकोट के चेयरमैन बैठे हैं, जहाँ पे अभी प्रेम सिंह जी जो पहले कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे नास से, ये जहाँ पे बैठे हैं, सरपंच संजीव सिंह जी जहाँ पे बैठे हैं, हाजी खाला साहब बैठे हैं, काफ़ी लोग जहाँ पे बैठे हैं। आज बेसिकली हमारा ये है कि हमारे जो रियासी के और जम्मू कश्मीर के बुखारी साहब जिस पार्टी को लीड करेंगे, उसके साथ साथ आज़ाद खान साहब जो आज तो जम्मू कश्मीर के एक बड़े लीडर हैं वो भी इस पार्टी में आए, हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी से मुमताज़ खान साहब आए, अब कुछ लोग और जो हमारी 14 के बाद 15 के बाद जम्मू में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बुखारी साहब उसकी क़यादत करेंगे, उसमें एजाज़ खान साहब भी होंगे और काफ़ी लोग जो हमारी पार्टी में आने वाले और इसी पार्टी जो अपनी पार्टी इसी की गवर्नमेंट होगी यही पार्टी आगे चलेगी और लोगों की हित की बात करेगी। जो भी हमारी डेवलपमेंट जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर रुकी है वो डेवलपमेंट होगी और ख़ासकर रियासी